हमारे चैनल पर आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बनाएंगे देगी चिकन खोरमा, बहुत ही लजीज बनके रेडी होता है ये खोरमा। चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे। एक वेजल में चिकन ऐड कर लेंगे, सॉल्ट ऐड कर लेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद 2 टीस्पून मिर्ची पाउडर ऐड कर लेंगे। एज पर योर टेस्ट यू कैन ऐड मिर्च पाउडर। बहुत ही लजीज खोरमा बनके रेडी होता है ये। 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर लेंगे। आपके जायके के मुताबिक आप इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। ऑयल ऐड कर लेंगे। अनियन फ्राई करके रख लिए थे हम, वही ऑयल ऐड कर लेंगे अब इसमें। थोड़ा सा मिक्स देने के बाद अब हम ऐड कर लेंगे सिनेमन स्टिक, 4 इलायची, 7 to 8 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च। सौटे कर लेंगे। कर्ड ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद लिड से कवर करके हम इसे 15 मिनट्स तक स्लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। चलिए ये कुक होने तक अब हम मसाले देख लेंगे। हमें चाहिए बादाम, चिरौंजी, खोपरा, जायफल का थोड़ा सा टुकड़ा लेना है, नटमेग भी बोलते हैं इसे, और फ्राई की हुई प्याज। इसे ग्राइंड करके प्याज को अलग से रख लेंगे असाइड, बिना पानी के ग्राइंड करना है हमें। और सभी मसाले अलग से ग्राइंड करके, थोड़ा सा वाटर ऐड करके ग्राइंड करके असाइड रख लेंगे। और अब हम लिड ओपन करके चेक कर लेंगे। और अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर लिए। धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। अब गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे।
हाई फ्लेम पर रहने देंगे अब, ताकि वाटर रिड्यूस हो जाए। फ्राइड अनियन ऐड कर लेंगे अब। स्पाइसेस पेस्ट ऐड कर लेंगे अब। सारे मसाले हम जो ग्राइंड करके रख लिए थे वही ऐड कर लेंगे हम। मसाले ग्राइंड करने से पहले हम रोस्ट कर लिए थे सारे मसालों को, खोपरा, बादाम, चिरौंजी रोस्ट करके ग्राइंड कर लिए थे हम। थोड़ा सा जायफल भी ऐड कर लिए थे। थोड़ा सा लिटिल वाटर ऐड करके हम ग्राइंड करके पेस्ट बना के इसमें ऐड कर लिए, और अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से सॉटे कर लेंगे इस तरह से। अच्छे से भूनने के बाद वाटर ऐड कर देंगे। लिड से कवर करके 10 मिनट्स तक इसी तरह से कुक होने देंगे। चलिए आफ्टर 10 मिनट्स देख सकते हैं आप लोग, वाटर रिड्यूस हो गया है। देखिए अच्छे से भून लेंगे अब। अब हम वाटर ऐड कर लेंगे, कोथमीर पुदीना ऐड कर लेंगे और स्लो फ्लेम पे इसे रहने देंगे। देखिए
इस तरह से कुक होके रेडी हो गया है खोरमा। वाटर ऐड करने के बाद कोथमीर पुदीना ऐड कर लिए थे हम स्लो फ्लेम पे, एक 5 मिनट्स तक कुक करें और देखिए लजीज देगी खोरमा बनके रेडी है। हम इसे नान की रोटी के साथ नोश फरमाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है अगर आप लोग कोई न्यू आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।